काट काट यहाँ करता जादू, देश में लाल रेलिए बाबू, काट काट यहाँ करता जादू। I stopped polluting. I stopped getting angry. I stopped being judgmental. And I stopped cheating. जी हाँ, cheating. Cheating हम सब करते हैं, लेकिन सोचते हैं किसने देखा? लेकिन आपने तो देखा, तो क्या आप अपने आप से cheating नहीं कर रहे? किसी को दोष देना बेहद आसान है और शायद यही आदत है हमारी भी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दोषारोपण की जगह अगर हम सिर्फ अपने अपने हिस्से का काम पूरी जिम्मेदारी से निभा लें तो कितना अच्छा हो? देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर अपने अपने हिस्से की छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभा लें तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। साफ रोड अच्छी नहीं लगती? लगती है ना, तो क्यों कूड़ा वेस्टेज आप ऐसी रोड पे फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता? अरे अपनी इस सोच को बदल कर तो देखिए, आपकी ये थोड़ी सी कोशिश ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। सड़कें हमारी धरोहर हैं, लेकिन हम अक्सर जाने अनजाने उन्हें गंदा कर देते हैं। सड़कों पर थूकना या फिर कूड़ा फेंक देना आम बात है। सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा उठाकर डस्टबिन में फेंकना शायद आपके लिए मुश्किल हो। अगर आप ये नहीं कर सकती तो एटलीस्ट अपने हिस्से का काम तो कर ही सकती हैं। यानी कम से कम आप सड़क पर कूड़ा ना फेंकें। ये सड़कें अगर हम अपनी समझ कर साफ रखें या वैसा साफ रखें जैसे हम अपना घर रखते हैं, तो ये देश वाकई विकास की राह पर चल पाएगा। ग्रीनरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। इससे आप फ्रेश एयर पा सकते हैं, अपने देश को पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। जी हाँ, बस इसको आपको करने के लिए कुछ बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर में ही पेड़ पौधे लगा सकती हैं, और हाँ अगर आप फ्लैट में रह रही हैं तो बैल्कनी में लगा सकती हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें आपकी हमारे देश में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये तो बात हुई कंट्रीब्यूशन की। अगर बात करें सेलिब्रेशन की, तो मेरी एक साथी यहाँ पर है जिसे मैं आपको मिलवाती हूँ। आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, उससे रूबरू हैं आप, आपको वो एडवाइस करती है, गाइड करती है। उससे मैं आपको मिलवाती हूँ, देखते हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर रही है ये 15 अगस्त। और अंजलि तुम्हें मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरी तरफ से भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। और हाँ, फ्लैग्स दिए जा रहे हैं, फ्लावर्स दिए जा रहे हैं, ट्रॉफी दी जा रही है। अंजलि तो काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है। तो अंजलि जरा बताओ, ये तो सब हो गया, मेरे लिए भी है क्या फ्लावर और फ्लैग? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो तुम्हारे लिए फ्लैग और ये लो तुम्हारे लिए फ्लावर। थैंक यू। ये तो हुई बात ऑफ फ्लैग और फ्लावर की। हाँ। अब एक बात बताओ, कोई प्लेज व्लेज लिया है क्या? अरे भाई सारी प्लेज बताऊंगी तुम्हें कि कौन कौन से लिए है। पहले चल के बैठते हैं यार। तो चलते हैं। अब जरा जल्दी से बता दो क्या प्लेज लिया है तुमने। अच्छा तो अंशुल, मैंने प्लेज ये लिया है कि आई स्टॉप बीइंग पार्शियल। पार्शियल? तो पार्शियल होती थी? तो आपकी अंजलि पार्शियल होती थी? नहीं नहीं, कभी कभार ऐसा होता था ना कि जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स होते थे ना, उनके साथ ना मैं कभी कभी पार्शल हो जाती थी। वो सही हो या नहीं हो या वो गलत हो, मैं हमेशा उनका साथ देती थी। तो आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि आई स्टॉप बीइंग पार्शल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अंजलि, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है।
बस हमारी ये छोटी छोटी जो कोशिशें होती है ना, वो हमारे देश के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं अपने देश को डेवलप करने में। एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी ना बहुत बड़ा बन सकता है। बिल्कुल सही कहा अंजलि। तो अंजलि, बदले अपनी सोच को थोड़ा सा, आओ कदम उठाए छोटा सा। जय हिंद।